तो अब मैं आ गया हूँ वर्सेस के ऊपर, लड़की की बाइक के ऊपर। भाई क्या पावर है यार इसमें। तो अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं राइड के लिए, वन डे राइड। मुझे पता है मेरी आवाज़ से ज़्यादा हायाबुसा की आवाज़ आ रही होगी आपको। अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं इनकी और ये राइड स्टार्ट। तो अभी हम पहुंचे हैं करतारपुर के फाटक पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मॉल बना हुआ है, सारे कार है ये भी हमारे साथ ही है। एंड फैन पाइप जो स्पीकर लगे हैं भाई, डर लगता है कॉपीराइट ना आ जाए उनके जाने। तो राइट नाउ अभी हम जस्ट पठानकोट के रास्ते में हैं और अभी हम जा रहे हैं होशियारपुर। होशियारपुर से आगे जाएंगे यार, बहुत पावरफुल है। मैं फैट बॉय के बीच में, हायाबुसा के बीच में ये KTM चला रहा हूँ, बट स्टिल बहुत पावर है, अच्छी है। मुझे जितनी कैपेबल चाहिए, जो मुझे बाइक से चाहिए वो मुझे फुलफिल हो रहा है, तो मैं इसीलिए नहीं अपग्रेड कर रहा। जैसे लवी ने वर्सेस ली हुई है, उसको एक्चुअली मेन चाहिए थे डबल इंजन और मुझे चाहिए थी मेन एडवेंचर, जिस कारण मैंने ये ली है और उसने वर्सेस 650 ली है। तो फाइनली हम पहाड़ों में पहुँच गए हैं। वन डे राइड में भी हम पहाड़ों में जाते हैं, ये बेनिफिट होता है पंजाब में रहने का। एंड क्या मज़ा आता है पहाड़ों में यार। ट्रक है आगे, खाली ही है, तो ये मज़ा आता है पहाड़ों में सिर्फ इस चीज़ का, मोड़ों को। हाईवे में सीधा सीधा चलते हैं, वो भी मज़ा है। जो मर्जी कर लो दोनों में, जा इधर चलाओगे तो बोर हो ही जाओगे, क्या नहीं लवी? जब हम पहाड़ों में चलाते हैं जाइए तब ऐसा था यार पहाड़ ख़त्म नहीं हो रहे, जब रोड में जाते हैं तब ऐसे तो रोड नहीं ख़त्म हो रहे। तो ये इंसान की फितरत है, ये किसी भी चीज़ में खुश नहीं रहता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर सारी बाइक्स है। ओ भाई हेलो हेलो, इधर करो ना इधर। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी F650 BM की, तो इसका टैंक पीछे किसी की साइड है ना, डीजल तो नहीं था। फैट बॉय स्ट्रीट फैट बॉय एंड दैट इज की फैट बॉय। और ये जो फैट बॉय है पूरे पंजाब में नंबर वन पे है लोडिंग में, जो जो सामान लगा एसएसबी पे आप देख सकते हो। ये स्पीकर स्लाइड्स एंड स्पीकर अगेन स्क्रीन एंड सामने से कुछ ऐसा लगता है। मैं और लवी लेट से, हम दोनों एक्चुअली हमारा साडा प्लान नहीं सी भाई आंदा थोड़ी देर बैठ के फिर दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया, थोड़ी देर बाद में मिलते हैं सबसे भी। ओके तो ऐसी कुछ लोकेशन है बाहर, यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे झूले झूले लगे हैं खेलने को, लेकिन बेबी के लिए पर धूप बहुत तीखी है यहाँ पर। एंड यहाँ से मैं सोचती हूँ जीप पड़ी हुई थी पहले, वो यहाँ पर पड़ी हुई थी, अब पीछे लेके वो इस सेट का गया यहाँ पे।
यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए जीप रखी हुई, ट्रक रखा हुआ है। तो यहाँ पर सारे जाने की तैयारी हो रही है, अपना ब्रेकफास्ट राइड की, ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड यहाँ पर हमारे सारे गियर पड़े हैं, हेलमेट्स एंड जैकेट्स। मैंने तो बता रही नहीं, ठंड बहुत लग रही थी यहाँ पर, बस जाने की तैयारी है। ये हमारे फायदे हैं, चलो चलते। ये है मैं बाइक की बात कर रहे हैं, इनकी बाइक है तनु भाजी की, F650। ये लवी की बसेस, ये मेरी 390 एडवेंचर, पैड बॉय, हिमालयन, हायाबुसा एंड 1250 GS। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर वापस, एंड यार गर्मी ज़्यादा होगी। वाह, अच्छा तो मैं ये बोल रहा था गर्मी ज़्यादा हो गई है, बट चलते चलते ठीक लग रहा है मौसम अभी तक। तो अभी थोड़ा पहाड़ में ऊपर है, ज़्यादा भी नहीं ऊपर है देखा जाए तो। फैट बॉय, मैं भी स्क्रीन लगाऊंगा या फ़ोन। मैंने एक्चुअली ये सैमसंग का सिर्फ इसलिए लिया था, उसका रीज़न यही था कि जो एप्पल का है उसका कैमरा ख़राब हो जाता है। अभी मैं दोबारा कैमरा ठीक करा के हटाऊँ, उसका 11 प्रो मैक्स है मेरे पास, तो उसका कैमरा अभी ठीक करा के हटाऊँ, तो इसलिए मैंने सैमसंग लिया। पर इसमें गूगल मैप बिल्कुल सही नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुए हैं, एक आधी बाइक रह गई है, वो धीरे धीरे रेडी हो रही है, वो भी आ रही है, इसलिए स्लोली स्लोली जा रहे हैं। और यार मेरा ना फ्लैशर लगे हुए थे, इसके फ्लैशर पता नहीं कहाँ गुम हो गया घर में, कल मैं लगाने भी लगा था नया, बट मैंने कहा छोड़। तो मेरा इतने हाथ बैठा है ना, सही गल। तो अभी यहाँ से ये बस ये पहाड़ जो है ये ख़त्म होने वाले ही हैं, थोड़े ही हैं पहाड़, मतलब नियर अबाउट 15-20 मिनट के होगा रास्ता, नियर अबाउट 15-20 मिनट का रास्ता होगा ये पहाड़ों का, उसके बाद होशियारपुर आ जाएगा। यहाँ पर ना फीडिंग के लिए जगह बनाई है, ये सारी ना लोगों के अपने खाने पीने के लिए कम है, और यहाँ पर मोंकीस एनिमल्स जितने भी हैं इनको फीडिंग करने के लिए ये यहाँ पर स्टॉल खोले हुए हैं रास्ते में। कईयों ने ब्रेड पकड़े हैं, कईयों ने केले पकड़े हुए हैं उनको खिलाने के लिए, लोग रुकते हैं उनको खिलाते हैं। नंदनी आ रहे थे ना राइट तो उकलान तो मकलोड़गंज तो आही रात आ रहा सीगा, तो इदा ही होया एकदम बंदर ने छाल मारती, छाल मार के उन्होंने पैर फड़न लगा सी, जलंधर 53 किलोमीटर यहाँ से। तो अभी क्या हुआ, लवी की बाइक के चला रहा था, इसका टॉप देखो टाइट होने वाला, टूटिया टूटिया टूटिया, हाँ देख टूट गया, इसकी यहाँ से ये प्लेट टूट चुकी है, अब मतलब हेलो तू कंटेंट देता हेलो कल दूजे तो आया कल घुमा हाथ मार नहीं घूमना नहीं घूमना घूमना कंटेंट भी दिता थंबनेल भी दिता भाई थंबनेल भी देता आ भाजी यार बाइक वाला सीगा ਉਰੇ ਵਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਚਲ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਲਟੋ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਵੀ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਅਭੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹਾਇਆ ਬੂਦਾ ਉਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਪਾਸ ਮੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਇਸਕੋ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨੇ ਕੋ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਮੇ ਟੁਕਨੇ ਸੇ ਬਚੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਭੀ ਇਹ ਇਸਕੋ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਨਿਕਾਲਤਾ ਦੇਖੋ क्योंकि एक्चुअली क्या है अगर हायाबुसा ने ब्रेक लगा वो देखो कहाँ हायाबुसा कहाँ वो देखो कहाँ से निकल रहा है ये तो उसने ब्रेक लगाया हायाबुसा ने उससे ब्रेक नहीं लगेगी लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते ये चीज़ें यार मुझे पता है देखो फिर ब्रेक लगा ली जाना भी नहीं आगे दूर कल चीज़ें लोग समझते नहीं यार ये चीज़ें ना तो अभी हम
केड़ी जगह पहुंच गए, नाम 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 नाम। वैसे हाईवे आने वाला है जो अमृतसर का है, मेन अमृतसर तो ही आना है ना, इतने अमृतसर तो ना आना, ये पठानकोट हाईवे ना। हाँ अभी पठानकोट का हाईवे आने वाला है। भोगपुर पिंड वन, भोगपुर पिंड है ना नाम, भोगपुर पिंड जिसे पहुँचना आप। तो एक्चुअली आज मेरे लिए एक चैलेंज ही था ये वीडियो बनाना। रीज़न उसका ये है कि जो मेमोरी कार्ड है ना ये सिर्फ और सिर्फ 8 GB का है और मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग मिली थी 17 मिनट, और मेरा ये चैलेंज था 17 मिनट में कोई एक्स्ट्रा कट या एक्स्ट्रा फुटेज कुछ भी ना हो, जो बनाऊँ वो अब रो ही बन रहा है ये आप जो देख रहे हो। बीच में जहाँ पर मैं साइलेंट हो गया वो थोड़ा कट वट हो जाएगा, बाकी अदरवाइज ये सारा रो ही बन रहा है जितना होता। और सोच समझ के बना रहा हूँ क्या बात करनी है, जो भी है। कितना भजदा सही है, कितना सही भजदा। तो अब मैं आ गया हूँ वर्सेस के ऊपर, लवी की बाइक के ऊपर। भाई क्या पावर है यार इसमें, सो तो पता ही नहीं लग रहा है इतने, सो इसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, पता भी नहीं लग रहा सो पे है किस पे है। वाह बहुत ज़्यादा फर्क है बाइक के अंदर, मेरे पैरों में बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही इसकी, 0% वाइब्रेशन। हाथों में है, हाथों में मुझे ठीक ठीक लगता है। फाइनली अभी यहाँ से हम जा रहे हैं अपने अपने घर, ये सारी बाइक हैं, अब यहाँ से हम घर जा रहे हैं अपने अपने रास्ते। बाय बाय। बाय 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 बाय। चंगा भाजी, चंगा भाजी, चंगा धन भाजी। अभी घर आया हूँ तो ये छोड़ नहीं रहा मुझे, ओ कुत्ते छोड़ दे बस। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, ओ मैक्सू मैक्सू बच 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 बच, सेट सेट बस सेट सेट, नो नो स्टे नो, ट्रेंड है सुनता है मेरी बात, वो नो सेट नो स्टे स्टे नो बस। मान गया मान गया मान गया मान गया, लाज रख ली मेरी वीडियो में। तो अभी हाल कुछ ऐसा हो पड़ा है, अभी जस्ट आया ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा गला सूखा हुआ है, प्यास लग रही है, इसलिए थोड़ी आवाज़ ऐसी निकल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, और राइड की वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।